नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है द अनप्रेडिक्टेबल मार्केट में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि 5 जनवरी के दिन यानी कि कल के दिन हमें बैंक निफ्टी निफ्टी में क्या देखने मिल सकता है। उसके साथ साथ कल वीकली कैंडल की क्लोजिंग है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है मार्केट के लिए। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे FIDII का डेटा, उसके बाद हम देखेंगे अमेरिकन मार्केट्स में क्या हो रहा है, उसके बाद लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स और सपोर्ट देने वाला हूं बैंक निफ्टी और निफ्टी में। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप मिस ना कर पाओ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट खोल रखा है। यहाँ पर आप देखोगे कि आज जो मार्केट की ओपनिंग हमें देखने मिली वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओपनिंग देखने मिली। उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल फॉर्म हुआ 15 मिनट के चार्ट पर। एक बहुत ही बड़ी पिन बार कैंडल फॉर्म हमें होती हुई दिखी है 15 मिनट के चार्ट पे। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू हमें एक इंपल्सिव मूव देखने मिला, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट, इंपल्सिव मूव, लेकिन जो लास्ट के हमें कैंडल की क्लोजिंग देखने मिली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है बैंक निफ्टी के लिए। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि लास्ट के कैंडल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हमें देखने मिल रही है अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस कैंडल से, पर क्योंकि इस कैंडल में हमें ऑलमोस्ट 50% नीचे आके क्लोजिंग देखने मिली है, जिसके वजह से 21,700 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है निफ्टी 50 के लिए। तो फ्रेंड्स, उसके साथ साथ अगर आप 1 आवर का चार्ट देखोगे तो 1 आवर के चार्ट पे भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ फॉर्म हुआ है। यहाँ पर भी आप देखोगे कि एक पिन बार फॉर्म हुआ जिसके बाद हमें एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने मिला, पर यहाँ पर लास्ट में ऑलमोस्ट 50% नीचे आके क्लोजिंग देखने मिली, जो कि एक अच्छी बात नहीं है निफ्टी 50 के लिए, जिसके वजह से हमें कंसोलिडेशन थोड़ा देखने मिल सकता है निफ्टी 50 में। उसके बाद अगर हम बात करें ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर्म होती हुई दिख रही है। यहाँ पर आप देखोगे कि 21,600 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है दोनों साइड के लिए। अगर आप यहाँ पे कॉल राइटर्स देखोगे तो जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट है वो है 735,179। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर पुट राइटर्स देखोगे तो 543,585 यहाँ पर ओपन कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं हमें पुट साइड भी, जिसका मतलब ये है कि नेक टू नेक फाइट चल रही है कॉल राइटर्स वर्सेस पुट राइटर में। पर यहाँ पर जो एक क्लियर कट चीज़ है ये है कि जब तक निफ्टी 50 अपने इस इंपॉर्टेंट 21,000 को ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है निफ्टी 50 में। उसके बाद अगर हम बात कर लें सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी 50 के लिए वो ये है 21,650। अगर 21,650 को अगर निफ्टी 50 कल के दिन ब्रेक भी करता है तो 21,600 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट बन जाएगा निफ्टी 50 के लिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे निफ्टी 50 में वो दिख रहा है 21,700, क्योंकि आज 21,650 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने मिली है, तो कल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा निफ्टी 50 में वो रहेगा 21,700। उसके बाद अगर हम बात कर ले कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट की, तो अगर कल निफ्टी 50 अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके 1 आवर की कैंडल अगर क्लोजिंग देती है यहाँ पर, तो हम बाय करके चल सकते हैं और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 21,800। और अगर कल निफ्टी 50 अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नीचे ओपनिंग देता है तो कल के दिन हमें मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात कर ले बैंक निफ्टी की, तो आज बैंक निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट हमें देखने मिला है। उससे पहले मैं आपको FII और DII का डेटा दिखाना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखोगे कि FII और DII के डेटा में 3 जनवरी के दिन हमें क्या देखने मिला। यहाँ पर आप देखोगे कि बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ा हमें सेल आउट देखने मिला था FII की तरफ से, पर फिर भी आज के दिन हमें बैंक निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने मिला। यहाँ पर आप देखोगे कि आज बैंक निफ्टी में लगभग 1% की हमें रैली देखने मिली, लगभग 490 पॉइंट का हमें यहाँ पे अप मूव देखने मिला। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप देखोगे कि ICICI बैंक, HDFC बैंक, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक बॉटम क्रिएट हुआ था जिसको सक्सेसफुली रिट्रेस किया, और उसके बाद वहाँ से अब एक अपट्रेंड की ओर जाता हुआ मुझे दिख रहा है। ये जो इंपॉर्टेंट बैंक्स है जैसे कि HDFC, ICICI, इंडसइंड बैंक, SBI बैंक, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मुझे एक अपट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। उसके साथ साथ आज 1 आवर के चार्ट पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर्म होती हुई दिखी है। यहाँ पर आप देखोगे कि एक बहुत अच्छी हमें ओपनिंग देखने मिली थी बैंक निफ्टी में। उसके बाद जो सेकंड कैंडल हमें देखने मिली 1 आवर के चार्ट पर, उसने अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल हमें देखने मिली, पर उसमें हमें वॉल्यूम जो थे वो कम देखने मिले, जिसके वजह से दूसरे कैंडल में हमें यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखने मिला थोड़ा सा, और थोड़ा सा वीकनेस भी देखने मिला। पर क्योंकि ट्रेंड हाई था बैंक निफ्टी का, इसके लिए आज हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने मिला। उसके बाद अगर आप देखोगे 1 डे का चार्ट बैंक निफ्टी का, तो 1 डे के चार्ट पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर्म होती है हमें दिखी है। यहाँ पर आप देखोगे कल के दिन एक पिन बार फॉर्म हुआ था अपने इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर, उसके बाद आज हमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती हुई दिखी है, जो कि एक मॉर्निंग स्टार टाइप पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है मुझे। मॉर्निंग स्टार टाइप पैटर्न फॉर्म हुआ है तो यहाँ से एक अच्छा खासा हमें अप ट्रेंड देखने मिल सकता है। उसके बाद अगर हम ऑप्शन चेन देख ले, तो ऑप्शन चेन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर्म होती हुई दिख रही है। यहाँ पर आप देखोगे कि 48,200 के आसपास हमें आज क्लोजिंग देखने मिली बैंक निफ्टी की,
तो जो कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात कर ले सपोर्ट की, तो सपोर्ट में जो मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है बैंक निफ्टी के लिए वो दिख रहा है 48,000, क्योंकि वहाँ पर हमें एक अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट देखने मिल रहे हैं 167,492 लगभग हमें इतने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर देखने मिल रहे हैं, जिसके वजह से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। उसके बाद अगर हम बात कर ले सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की, तो मुझे दूर दूर तक कहीं पर एक अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट देखने नहीं मिल रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी में तो हमें एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने मिल सकता है, पर क्योंकि निफ्टी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास है तो हमें निफ्टी 50 में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है। उसके बाद आप देखोगे कि ओआई में भी हमें काफ़ी अच्छे चेंजेस देखने मिले। 48,000 पे अगर आप देखोगे तो लगभग 118,464 नए कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने मिले हैं पुट साइड में, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है बैंक निफ्टी के लिए और पूरे मार्केट के लिए। तो इसके वजह से कल के दिन हमें एक अच्छा खासा अपमूव देखने मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात कर ले अमेरिकन मार्केट्स की, तो अमेरिकन मार्केट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे मैंने नैसडेक का यहाँ पे चार्ट खोल रखा है, वीकली चार्ट। यहाँ पर आप देखोगे कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न मुझे फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, और एक प्रॉपर कप एंड हैंडल फॉर्म हुआ है यहाँ पर देखो। फिर यहाँ पर हमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने मिला, जिसको इसने ब्रेक किया और यहाँ पर एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया। अब यहाँ पर वापस से हमें थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन देखने मिलेगा, जिसको अगर ये ब्रेक करता है तो एक बहुत बड़ा हमें मूवमेंट देखने मिलेगा, जिसका साफ साफ इंपैक्ट हमें इंडियन मार्केट में देखने मिल सकता है। उसके बाद आप देखोगे डाउ जॉन में, तो डाउ जॉन में एक बहुत बड़ा हमें मूवमेंट देखने मिला था, बहुत बड़ी एक अपरैली देखने मिली थी। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है कि इस वीक हमें डाउ जॉन थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन फेस में देखने मिल सकता है। उसके बाद यहाँ से वापस से बाउंस बैक करेगा और न्यू हाई पे जाते हुए हमें देखने मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर कल के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में आप लोगों को टारगेट क्लियर हो, तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में बताना चाहता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, उसका नाम है जुपिटर वैगन लिमिटेड, जिसको आज ऑर्डर मिला है 802 करोड़ का डिफेंस की तरफ से, जिसको मिलिट्री के लिए कोचेस बनाने के लिए कहा गया है। ये कंपनी बेसिकली ट्रक्स, कंस्ट्रक्शन और फार्मर मशीनरीज बनाती है, जिसके साथ साथ ये ट्रेन्स के जो कोचेस रहते हैं वो बनाती है। तो आज हमें एक बहुत बड़ा ऑर्डर देखने मिला, जिसके वजह से आप देखोगे कि 4% का हमें एक अप ट्रेंड देखने मिला। उसके साथ साथ जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रेजिस्टेंस था, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ड्रॉ किया हुआ है 326 का, उसको भी ब्रेक कर दिया है, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम देखने मिले। तो आप लोग इसके ऊपर भी नज़र बना के रखो, ऐसा हो सकता है कि कल के दिन हमें यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने मिले, या यहाँ पर रिटेस्ट करता हुआ देखने मिल सकता है। तो अगर यहाँ पर रिटेस्ट करता है और सपोर्ट लेता है, तो यहाँ से हमें बाय करके चलना है, और आने वाले 1 से 2 महीने में जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 359 का। यहाँ पे बहुत ही अच्छा हमें एक अप ट्रेंड देखने मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। उसके साथ साथ फ्रेंड, मैं जो भी एनालिसिस आप लोग को देता हूँ वो सिर्फ एक स्टडी पर्पज़ के लिए है, वो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग अपने फाइनेंशियल प्लानर से पूछ के कीजिए। थैंक यू।